तो हे गाइस, फाइनली इंडिया में लॉन्च होने वाला है IQ G69 स्मार्टफोन। ये जो स्मार्टफोन है लाइक एक रीब्रांडेड टाइप का लग रहा है, और आप लोग इसको क्या नाम दोगे आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको स्पेक्स बताने वाला हूँ तो आप लोग रिलेट कर लोगे। यहाँ पे इस फोन का आपको प्राइस बताऊंगा, कब लॉन्च होगा और साथ में क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी चीज़ एकदम 100% कन्फर्म होने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और एटलीस्ट लास्ट में आपको ये बता दूंगा कि ये फ़ोन खरीदने लायक है या फिर नहीं, और इसका अल्टरनेटिव बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा हो सकता है अभी से, ताकि आपको वेट करना ना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फोन है आपको इंडियन मार्केट में 16 मई को देखने को मिलेगा। IQ G9X इस स्मार्टफोन का नाम है, और यहाँ पे ये 5G फोन होने वाला है। आपको इस फोन में देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर, काफ़ी सही प्रोसेसर है, मतलब एक कॉम्पैक्ट प्रोसेसर है नॉर्मल वे में, 5G में एक अच्छा खासा बोल सकते हैं बजट सेगमेंट में। यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलेगा 2 कैमरा बैक के साइड में, लुको डिजाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पंच होल कैमरा के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, काफी अच्छा डिस्प्ले है, 6.72 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 120Hz का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो अच्छा है, बड़ा डिस्प्ले है, आपको लाइक आजकल जो फोन आ रहे हैं बड़े डिस्प्ले, वही वाले फोन आपको देखने को मिलेगा, कॉम्पैक्ट साइज नहीं। यहाँ पे गाइस आपको जो कैमरा है ना, वो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होने वाला है, साथ में एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ये एकदम बजट वाला फोन है तो कैमरा आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। UFS 2.2 आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा, LPDDR4X का रैम आपको देखने को मिलेगा, और इस प्राइस रेंज में और इस टाइप के फोन में यही मिलने वाला है। और यहाँ पे गाइस आप लोगों को मैं बता दूं, ये एंड्रॉइड 14 के साथ फोन आने वाला है, फ्रंट टच ओएस में देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको 6000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि इस फोन का एक हाइलाइटिंग पार्ट है, और आपको इन द बॉक्स 44W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, ये भी इस फोन का हाइलाइटिंग पार्ट है। इन दोनों चीज़ों के अलावा मुझे नहीं लगता इस फोन में कुछ भी मेरे को पसंद में आया है, क्योंकि आपको 120Hz डिस्प्ले मिलेगा, IPS मिल रहा है, AMOLED नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका मैं आपको प्राइस कंफर्म करा देता हूँ, इस फोन का आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेगा, 4128, 6128, 8128, 128 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे हैं लोग। यहाँ पे गाइस आप लोग अगर 4128 लेते हो तो इस फोन का प्राइस अराउंड 13,000 रुपये होने वाला है, कार्ड और ऑफर लगा के आपको ये फोन 12,500 के समथिंग देखने को मिलेगा। तो प्राइस भी मैंने एकदम फिक्स बता दिया, यही प्राइस होने वाला है। तो अगर आपको IQ के फोन्स पसंद है, IQ के सॉफ्टवेयर पसंद है, अगर आपको 6000mAh का बैटरी चाहिए, विथ इन द बॉक्स 44W का चार्जर चाहिए, और आपको एक बड़ी डिस्प्ले चाहिए, तब आपके लिए ये फ़ोन बहुत अच्छा हो सकता है। अदरवाइज आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है, लाइक अगर आपको AMOLED डिस्प्ले चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी F15 आपके पास है, M15 आपके पास है, 6000mAh बैटरी उसमें भी है, कैमरा अगर आपको अच्छा चाहिए तो उसमें बहुत अच्छा कैमरा मिलेगा, बट उस फोन में आपको चार्जर इन द बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इस फोन में देखने को मिल रहा है। तो मैंने एकदम क्लियरली आपको बता दिया जो मार्केट में लेटेस्ट स्मार्टफोन अवेलेबल है। और दूसरा जो मोटोरोला की तरफ से आता है, मोटोरोला G64 अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, तो उसको आप देख सकते हो, और 15,000 में लाइक अभी सेल वेल में थोड़ा बहुत ऑफर लगा के आपको रेडमी नोट 13 5G 15,500 में मिलेगा, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, उसके तरफ भी आ जा सकते हो, उसका डिस्प्ले कमाल का है। हाँ, एक चीज़ मेरे को इस फ़ोन में अच्छी लगी, इस फ़ोन में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलेंगे, 3.5mm का जैक देखने को मिलेगा। अच्छी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिलेगी, जो आपको चाहिए अगर वो इसमें आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन का वेट कर सकते हो, और अगर आपको वेट नहीं करना है और आपको लग रहा है कि ये आपके प्रायोरिटीज फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।